हमारी ट्रेन को जो मानक नगर पर रोक दिया गया है, यहाँ इसका हॉल्ट नहीं है, शायद सिग्नल ना मिलने की वजह से प्लेटफॉर्म नहीं खाली होगा लखनऊ चारबाग पे, इसलिए यहाँ रोक दिया गया। ये उत्तरी ट्रैक है और इसमें जो डीजल इंजन इसलिए लगा है क्योंकि अभी फैजाबाद और अयोध्या वाले में जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, इस वजह से WD-40 के साथ ये चल रही है पुरानी दिल्ली से, देखते हैं कहाँ तक जाती है। हम तो बाराबंकी तक ही जा रहे हैं, तो यहाँ से जब अब लखनऊ में आपसे डायरेक्ट एंट्री करेंगे। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरबाज खान और आपका स्वागत है हमारे चैनल अरबाज खान ब्लॉग में। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 03484 फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू मालडा टाउन फरक्का एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना रात में 9:40 में पुरानी दिल्ली से निकलती है और आपको दूसरे दिन सुबह 6:55 पे मालडा टाउन पहुँचाती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1423 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110। लेकिन हम इन लोग जर्नी को कवर करेंगे अपने शहर कानपुर से, जहाँ इसका टाइम है 5:40 और ये जर्नी होगी कानपुर से बाराबंकी तक। तो कानपुर से बाराबंकी का जो डिस्टेंस है वो है 102 किलोमीटर। तो ये जो ट्रेन है मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस, ये 3 दिन वाया सुल्तानपुर निहालगढ़ के रास्ते जाती है। जो 3 दिन है वो हैं संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, बाकी के 4 दिन बाराबंकी, फैजाबाद और अयोध्या के रास्ते ये जाती है। तो हम लोग जो जर्नी कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेकंड सीटिंग में, कोच नंबर है D4, सीट नंबर है 9। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 5:10 और चलिए मैं कानपुर सेंट्रल आ चुका हूँ। ये सुबह के नज़ारे हैं कुछ, ये हमारा नेशनल फ्लैग, बाकी सुबह के नज़ारे आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपसे स्टेशन के अंदर और बाकी बातें आपसे स्टेशन के अंदर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और ये कॉफ़ी ले लिया है और ट्रेन का भी कुछ पता नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। वैसे 8 पर आती ज़्यादातर, देखते हैं किस पर आती है। और बाकी 7 पर जो है अभी पटना कोटा निकली है, जिसे मैं जर्नी कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। जब ट्रेन आती दिखाते हैं कि डीजल लोकोमोटिव लगा है या फिर इलेक्ट्रिक। तब ये कॉफ़ी को ख़त्म करते हैं, वही मिलते हैं, मशीन से कॉफ़ी है ये, ठीक है। ट्रेन में इतना रश है कि सही से बैठने को भी नहीं मिल रहा है और आइडल सीट थी तो निकल के आ गए, गेट के पास ही खड़े हो गए और अब इंतज़ार कर रहे हैं गंगा नदी का, जो कानपुर लेफ्ट बैंक के पास है, आपको गंगा नदी दिखाएंगे फिर सीट पर बैठेंगे। का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं उन्नाव, जिसका स्टेशन कोड है ON और यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग यहाँ पहुँचे 5 मिनट डिले। उन्नाव पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कोविड से पहले रोजाना है 188 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी
और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती ना ऑरिजिनेट। और ये स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1857 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 99 से 2000 तक। तो दो मिनट का हॉल्ड, चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर, बाकी आपसे डिपार्चर का टाइम मिले। सामने मिरर देख रहे हैं कितना गंदा है और उसका पानी जो है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कितना है, यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इतनी गंदगी है ना, यहाँ कोई सोप रखा हुआ है। वॉशरूम की कंडीशन भी इतनी बेकार है, मिरर इतना पानी यहाँ भी नहीं आ रहा, नीचे की गंदगी इतनी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बस पूरी तरह जाए लगे हुए। तो हम स्किप कर रहे हैं अमौसी को और लखनऊ में हम लोग इंटर हो चुके हैं। अगर आपको इससे पहले भी मैं दो बार इस तरफ से निकल चुका हूँ, अगर आपने पटना कोटा में देखा होगा मुझे और जबलपुर लखनऊ जंक्शन चित्रकूट एक्सप्रेस में भी मैं इस स्टेशन पर देखी तुगलकाबाद का मैं ट्रेन करवा था। और हम लोग को चारबाग की तरफ मुड़ना है, तो हम लोग की ट्रेन जो है मानक नगर से चारबाग के लिए मुड़ जाएगी। वाराणसी देहरादून एक्सप्रेस, ये लीजिए ओवरटेक कर दिया है वाराणसी देहरादून ने हमें। बहत्तर किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम आ चुके अपने दूसरे हॉल्ट लखनऊ चारबाग, जिसका स्टेशन कोड है LKO और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। अभी हम यहाँ पहुँचे 10 मिनट डिले। लखनऊ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कोविड से पहले रोजाना यहाँ 451 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 46 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ऑरिजिनेट होती थी। अगर इस बार स्टेशन की बात करें तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1914। तो 10 मिनट का हॉल्ट है, 10 मिनट डिले भी है, तो चलिए चलते हैं अंदर, बाकी आपसे मिलेंगे डिपार्चर के टाइम। चेकिंग हो रहा था, बहुत पकड़े गए, 50 आदमी पकड़े होंगे यहाँ भी, बहुत फाइन लिए। अंदर
टिकट नहीं बनाए होंगे, वैसे पैसे लेके चलेंगे? नहीं, पर्चा बनाए ना सबको। एक भी भाग के गया जो उतर रहा था, भाग रहा था, ये भी वैसे बात को स्किप कर रहे हैं। और हम लोग पहुंच रहे हैं बाराबंकी जंक्शन। तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन बाराबंकी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BBK। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 30 मिनट डिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करी ताकि नई नई वीडियो मिलती रहे। और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाता रहूँगा मैं, फुल जर्नी की भी कोशिश करूँगा इस ट्रेन में। अभी आगे बढ़ जाएगी यहाँ से जौनपुर जंक्शन, जाफराबाद और अयोध्या के रास्ते, वाराणसी के रास्ते ये पहुँच जाएगी कल सुबह 6:55 पे मालदा टाउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।